हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने डैमेज बैग को कैसे आप एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं ये बताती हूँ। तो इसमें हमने एक टेक्निक को यूज़ किया है जिसको हम डेकोपाज कहते हैं। तो आज मैं आप उसी डेकोपाज टेक्निक से अपने बैग को इम्प्रूव करने का, खूबसूरत बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखिए कैसे मैंने अपने इस बैग को एक यूनिक रूप दे दिया डेकोपेज टेक्निक के द्वारा। तो चलिए शुरू से आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम इसके ऊपर कोई पेंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पेंटिंग करना हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता। तो हम जहाँ पर भी हम अपना मोटिव बनाना चाहते हैं वहाँ एक पहले वाइट जैसो का एक बैकग्राउंड दे देंगे, एक कोटिंग जैसो की कर देंगे। फिर उसके बाद जिस टिश्यू पेपर से हम मोटिव लेना चाहते हैं उस मोटिव को जितना पोर्शन हमें चाहिए उसके ऊपर उसको हम निकाल लेंगे, उसमें से कट करके निकाल लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और पानी में ब्रश को डिप करते हुए, थोड़ा सादा पानी लीजिए और उसमें ब्रश को डिप करते हुए जितना मोटिफ आपको चाहिए, जितना डिज़ाइन आपको चाहिए उसके ऊपर साइड साइड में निशान देते जाइए, पानी लगाते जाइए, थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए और उसकी एक पूरी एक बाउंड्री बनाते जाइए। इसी बाउंड्री से बाद में हम कट करके इस मोटिफ को अलग निकाल लेंगे। तो हम चारों तरफ फटाफट से एक बाउंड्री बना देते हैं वेट ब्रश के हेल्प से। तो देखिए थोड़ा जल्दी कर देते हैं, मैंने स्पीड बढ़ा दी है ताकि जल्दी हो जाए। तो अब हम इसको टिश्यू को पहले हम अलग ही कर लेते हैं, जहाँ हमने बाउंड्री बनाई थी वहाँ से आराम से दो अंगूठों की सहायता से धीरे धीरे करके इस मोटिफ को हम अलग कर लेंगे। देखिए अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के दिखाऊंगी ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। हाँ, ये साइड साइड से हम धीरे धीरे अपने मोटिफ को अलग करते जाएंगे, दो अंगूठों के बीच में रखते हुए धीरे धीरे पूरा मोटिफ हम अलग कर लेंगे। खाली करना होगा ताकि मोटिफ हमारा डैमेज ना हो। अभी मैंने पूरा ही टिश्यू पेपर अलग कर लिया है। इस पे तीन लेयर्स होती हैं, ज़्यादातर टिश्यूज़ में थ्री लेयर्स होती हैं। तो इसको बहुत ध्यान से हमें इसके उसके नीचे की लेयर्स अलग होगी। देखिए ये दो लेयर्स नीचे थी वो अलग कर दी हमने और सबसे ऊपर वाली एक लेयर को लेना है। इसको बड़े केयरफुली करेंगे ताकि ऊपर की लेयर फट ना जाए। अब ये मोटिफ हमारा आ गया है, इसको हम यहाँ लगाएंगे और अपने बैग को सजाएंगे। लेकिन मैं उतना डिटेल में सारा ना दिखा के एक छोटा पोर्शन पे आपको डेकोपेज करके दिखाऊंगी। यहाँ की हम सबसे पहले जैसो से इस टिश्यू के बराबर जगह में एक बेस बना लेंगे, एक वाइट बेस बन जाएगा जिससे आपका टिश्यू का हर कलर आसानी से उठकर ऊपर आएगा, दिखाई देगा। अदरवाइज वो नीचे वाला कलर, जो भी बेस कलर होगा वही झलकेगा टिश्यू के ऊपर। इसको थोड़ा ड्राई कर लेते हैं हम, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाना चाहिए। चलिए ये ड्राई हो गया। तो अब हम ये मॉड पॉज लेंगे और मॉड पॉज की एक पतली लेयर अच्छी तरह से वाइट बेस के ऊपर फैला देंगे। चलिए अब जो हमने वो टिश्यू को अलग किया था जितना हमको साइज चाहिए था, यहाँ पे मैं हाफ ही ले रही हूँ उस मोटिव को, इसको हल्का सा स्ट्रेच करते हुए अच्छे से प्लेस करके हल्का सा स्ट्रेच करते हुए ब्रश की हेल्प से धीरे धीरे पेस्ट करते जाएंगे नीचे जो हमने मॉड पॉज लगाया है, जो मॉड पॉज ग्लू लगाई है उसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे। जहाँ जहाँ मॉड पॉज कम लग रहा था आपने थोड़ा थोड़ा और लगा दिया। चलिए अब इस मोटिफ को थोड़ा और इम्प्रूव कर देते हैं। थोड़ा सा हम ग्रीन कलर लेंगे, ये मैंने फैब्रिक पेंट लिया है, उससे कुछ लीव्स बना देते हैं जिससे कि इसका मार्जिन अलग से दिखाई ना दे। चलिए थोड़े थोड़े लीव्स तो कोई भी बना सकता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन टच दे देंगे, गोल्डन टच दिया है जिससे एक खूबसूरती भी आ गई है और लीव्स भी थोड़ी नेचुरल लगने लगी हैं। फ्लावर की पेटल्स में भी थोड़ा थोड़ा गोल्डन टच दे देंगे। तो बस ये हो गया आपका एक सुंदर मोटिफ तैयार। और देखते ही देखते आपका बैग पे ये एक अच्छी सजावट, ये यहाँ पर एक कट था जिसको मैंने इम्प्रूव करवाया था और अब ये मोटिफ बन जाने से ये एक डिज़ाइनर लुक आ गया है और वो कट भी दिखाई नहीं दे रहा जिसको कि मैंने स्यू करवाया था। अब अपने मोटिफ्स को फाइनल टच देने का टाइम आ गया है। अब हम तीनों मोटिफ्स के ऊपर मॉड पॉज के दो तीन कोट देंगे जिससे ये पूरी तरह से सील हो जाएंगे, जिससे ये दोबारा कभी भी गीले होने पर भी ख़राब नहीं होंगे। तो बस हमारा जो बैग में डैमेज हुआ था वो भी कवर हो गया और उसका एक नया यूनिक लुक भी आ गया। तो और क्या चाहिए,
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आप मेरे नए वीडियोस को देख सकें, उनके नोटिफिकेशंस पा सकें और भी मेरे जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकें। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।